एमपी में और छत्तीसगढ़ में आज चुनावी मतदान हो रहा है, क्या जानकारी? देखिए छत्तीसगढ़ में आज दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जो सभी 230 सीटें हैं उन सब पर जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, वो पहुंचे थे वोट डालने के लिए, और जब उन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने बीजेपी पर सीधा सीधा प्रहार किया। और साफ तौर से ये भी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जब इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, और बाद में जब सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा था तो उसके बाद देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश में सत्ता तख्ता पलट हुआ था। तो कुछ कमलनाथ ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ बीजेपी पर इस तरह का इशारा किया है, इशारे इशारे में हमला बोला है। लेकिन इस बार देखा जाए जो चाहे मौजूदा दौर के मुख्यमंत्री हो या फिर कमलनाथ हो या फिर केंद्रीय मंत्री चाहे प्रहलाद पटेल हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे जितने सांसद हो बीजेपी के, इन सबके किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आमतौर पर देखा जाता है, छत्तीसगढ़ में शुरुआती जो रुझान भी निकलकर सामने आ रहे थे उसमें यही दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार थोड़ा सा कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर एक तरह से मतदाताओं को अपील की कि लोग भारी से भारी संख्या में अपने मत का इस्तेमाल करके जो है करने के लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, तो कह सकते हैं आज वो फाइनल नतीजे का दिन है। आज जो मतदाता पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे, किसे जिताना है किसे हराना है, आज कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी शुरुआती रुझान में अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जो मतदान स्थल बनाए गए हैं वहां पर कतारें लंबी लंबी देखने को मिल रही है, और इस बार ये देखकर लग रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता कहीं ना कहीं अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जी जी, जानकारी के लिए आभार।